नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सीरीज में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है पार्टनरशिप यानी कि साझा। जो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साझा क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है और एग्जामिनेशन में इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जानते हैं साझा क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों। तो मुख्यतः जो साझा का उपयोग यानी कि पार्टनरशिप का उपयोग होता है, वो मुख्यतः व्यापार में कमाए गए जो लाभ होते हैं उनको, जो साझेदार होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं उसमें, जिसने पूंजी लगाई होती है उसके बीचों में उस लाभ को बांटने के लिए जो फॉर्मूला का यूज होता है, जो टेक्निक का यूज होता है, वो साझा के अंतर्गत या पार्टनरशिप के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। तो सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है राम, कोई व्यापार को शुरू करना चाहता है। अब उस व्यापार को शुरू करने के लिए उसकी आरंभिक पूंजी उसे 60,000 रुपए की आवश्यकता होती है, लेकिन राम के पास 60,000 रुपए नहीं है, राम के पास केवल 40,000 रुपए हैं। तो वो बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो राम का एक मित्र है मोहन, तो राम ये बात अपने मोहन को बताते हैं कि देखो भाई, मैं एक व्यापार, एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ जिसमें 60,000 रुपए की जमा पूंजी लगने वाली है, लेकिन मेरे पास 40,000 रुपए ही है, क्या तुम मुझे 20,000 रुपए दोगे? तो मोहन जब व्यापार के बारे में सुना और जब वो पता क्या कि कौन सा व्यापार करेगा राम, तो उसको उस व्यापार में रुचि जग गई और राम से वो एक रिक्वेस्ट किया कि अगर वो मोहन को उस व्यापार में पार्टनर्स बना ले तो वो 20,000 रुपया राम को दे सकता है। अब क्या हुआ, तो जो राम के 40,000 थे वो और जो मोहन के 20,000 रुपए थे वो दोनों मिलकर के 60,000 रुपए हो गए, तो बिजनेस तो शुरू हो गया। तो अब क्या होगा कि जो साल के लास्ट में जो उस व्यापार से, उस बिजनेस से जो लाभ होगा उसको राम और मोहन आपस में बांटेंगे। तो वो किस तरह से बांटेंगे दोस्तों? क्या वो बराबर बांटेंगे? नहीं, क्योंकि पूंजी दोनों की अलग अलग है। तो पार्टनरशिप कहता है कि जिस अनुपात में व्यापार में पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में व्यापार में लाभ को बांटा जाता है, उसके पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। अब यहाँ पे राम और मोहन चूंकि व्यापार में आपस में पार्टनर हो गए, तो उस पार्टनर में दोनों पूंजी के अनुसार, पूंजी का जो अनुपात वो शुरू में लगाया था उसी अनुपात में वो लाभ को बांटेंगे दोस्तों। अब कैसे? तो जब अनुपात की बात आती है तो मैं इससे पिछला वीडियो अनुपात और समानुपात के ही बेस पे बनाया था, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप अनुपात को आप समझ जाते हैं अच्छे तरीके से तो ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, या यूं कहें कि ये टोटल का टोटल अनुपात और समानुपात पे ही आधारित वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो बांटेंगे तो उसमें अनुपात और समानुपात कैसे लगेगा? तो मैं इससे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी वाई है और उसको दो भागों में बांटना है जिसका रेशियो ए अनुपात बी है। सपोज कीजिए कि ये क्वांटिटी वाई है और इसको हमको दो भाग में बांटना है जिसमें, जिसका अनुपात ए अनुपात बी होगा। तो पहला भाग इसका क्या होगा? तो ए बाय ए प्लस बी इंटू वाई, और दूसरा भाग इसका हो जाएगा बी बाय ए प्लस बी इंटू वाई। ये दो पार्ट हो जाएंगे इस वाई का। अगर तीसरा पार्ट होता और उसको कहता कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में बांटो, तो उसी क्रम में मैंने बताया था कि ए बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू वाई हो जाता है पहला भाग, दूसरा भाग हो जाता है बी बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू वाई, और तीसरा भाग हो जाता है सी बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू वाई। तो इससे पहले आप रेशियो और प्रोपोर्शन का वीडियो देख लीजिए तो ये वीडियो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पार्टनरशिप की परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप उसको देखिए कि साझा वो पद्धति है जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं तथा लाभ को पूंजी और अवधि के अनुसार विभाजित करते हैं। अब पूंजी और अवधि के अनुसार विभाजित करते हैं का मतलब क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया कि जिस अनुपात में वो पूंजी लगाए रहेंगे उसी अनुपात में उसका लाभ भी
बांटा जाएगा। दूसरा केस ये भी होता है कि सपोज कीजिए कि राम ने तो 40,000 रुपया लगाया और वो एक साल के लगाया, मोहन ने जो 20,000 रुपया लगाए वो 20,000 को उसने लगाए रखा और 9 महीने के बाद मोहन ने कहा कि भाई देखो मेरा 20,000 रुपये मुझे वापस चाहिए, तो मोहन उस समय अपना 20,000 रुपया पूंजी उसमें से वापस ले लेता है। तो अब लाभ का विभाजन किस तरह से होगा? तो लाभ का जो विभाजन होता है वो पूंजी के अलावे समय अवधि पे भी निर्भर करता है। समय अवधि मतलब कितने देर के लिए एक साझेदार पूंजी लगाता है। तो जो पूंजी लाभ जिस समय कैलकुलेट होगा उस समय राम का जो लाभ कैलकुलेट होगा वो 40,000 रुपये के लिए एक साल पे जितना लाभ बनेगा उस पे कैलकुलेट होगा, लेकिन मोहन का जो पूंजी है 20,000 रुपये वो 9 महीने के लिए लगा, तो उस पे जो लाभ है वो 9 महीने के लिए ही, जो पूंजी जिस 20,000 रुपये पे जो 9 महीने के लिए लाभ आएगा उस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस पे हम कुछ मुख्य एक दो क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में कुछ खास पैटर्न के उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कुछ खास पैटर्न के क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि दो व्यक्तियों द्वारा लगाई गई पूंजियां समान अवधियों के लिए लगी हो, मतलब पूंजी क्या है समान अवधि के लिए लगी हुई है, और वे पूंजिया क्रमशः C1 रुपी और C2 रुपीज है। कितने रुपए हैं? पहला व्यक्ति C1 रुपए लगाते हैं और दूसरा व्यक्ति C2 रुपए लगाते हैं, तो कुल और कुल लाभ P रुपए हो और जो लाभ उसको मिलते हैं उस व्यापार से उस बिजनेस से वो P रुपए हो, तो लाभ में उन्हें हिस्से प्राप्त होंगे। क्या हिस्से प्राप्त होंगे? तो पहला हिस्सा जो होगा क्रमशः C1/C1+C2 × P तथा C2/C1+C2 × P रुपए होंगे। अब ये दोस्तों आपको देख के अनुपात और समानुपात की याद आ रही होगी कि इसी तरह का कुछ फॉर्मूला मैंने अनुपात में लिखा था कि अगर कोई वस्तु y है और उसको a अनुपात b में बांटना है तो जो पहला भाग होता था वो a/a+b × y होता था, दूसरा भाग b/a+b × y होता था। सेम उसी चीज का उपयोग यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो क्या था कि कुल लाभ कितना हो गया? P रुपए हो गया। अब इसी लाभ को दोनों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में लाभ को पूंजियों के अनुपात के हिसाब से बांटा जाता है। तो पूंजी का क्या अनुपात है दोस्तों? तो पूंजी का अनुपात है क्योंकि पहला व्यक्ति C रुपए लगाता है और दूसरा व्यक्ति C2 रुपए लगाते हैं, तो पूंजियों का अनुपात हो जाएगा, पूंजियों का अनुपात जो हो गया वो हो गया C1/C2। ये अनुपात हो गया, इसको हम C1/C2 भी लिख सकते हैं। अब इसी अनुपात में इसको पी को बांटा जाएगा। तो कैसे बांटते, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला भाग जो होगा फर्स्ट भाग जो मिलेगा वो हो जाएगा C1/C1+C2 × P जो कि पहले आदमी को मिलेंगे, और दूसरे आदमी को सेकेंड भाग जो हो जाएगा या सेकेंड आदमी को जो मिलेगा वो C2/C1+C2 × P। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोनों का लाभ का जो शेयर है वो निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। सपोज कीजिए पहला आदमी 3,000 रुपये लगाते हैं, C1 की वैल्यू 3,000 है और दूसरा C2 की वैल्यू 2,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब टोटल लाभ जो मिलता है उसको सपोज कीजिए कि 1800 रुपये लाभ की प्राप्ति होती है बिजनेस के लास्ट में, तो एक आदमी पे कितना लाभ मिलेगा? तो पहला आदमी पे जो लाभ मिलेगा वो हो जाएगा C1/C2+, तो C1 कितना है 3000 / C1+C2, मतलब 3000 + 2000 × P, मतलब 1800, ये हो जाएगा 3/5 × 1800 यानी कि 5400/5 रुपीज एक के हिस्से में आएगा। दूसरे के हिस्से में आएगा C2/C1+C2, तो 200/3000 × 2000 × 1800 ये आ जाएगा 2/5 × 1800 यानी हो जाएगा 3600/5 रुपीज यानी कि जो 1800 को आप डिवाइड करेंगे तो पहले को जो मिलेगा वो 5400 रुपये मिलेंगे और दूसरे को जो मिलेंगे वो 3600/5 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो व्यक्तियों की पूंजियां क्रमशः C1 और C2 हो और उनकी अवधियां क्रमशः T1 और T2 हो, तो लाभ तथा लाभ 3 रुपए हो, तो लाभ में उनके हिस्से क्या होंगे? तो लाभ में जो उनके हिस्से होंगे वो क्रमशः है C1T1 by C1T2
C1 T1 प्लस C2 T2 इंटू पी एवं C2 T2 बाय C1 T1 प्लस C2 T2 इंटू पी रुपए होंगे। अब ये दोस्तों कैसा हो, कैसे ये निकला, तो क्योंकि हम पार्टनरशिप में ये जानते हैं कि जो लाभ डिवाइड किया जाता है वो पूंजियों के अनुपात में भी बांटा जाता है और समय अवधि वो पूंजी कितने दिनों के लिए लगाया उसके अनुपात में भी बांटा जाता है। तो अगर हम पूंजियों का अनुपात देखें तो दोनों व्यक्तियों में पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, पूंजी का अनुपात होगा वो हो जाएगा C1 बाय C2। और अगर हम समय अवधि का अनुपात की बात करें, समय अवधि का अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T1 बाय T2। अब कुल जो अनुपात होगा, अगर हम पूंजी और समय के दोनों अनुपात को मिला दे तो कुल अनुपात जो बनेगा वो है C1 C2 इंटू T1 T2, यानी कि C1 T1 अनुपात C2 T2। अब यानी कि C1 T1 अनुपात C2 T2। तो अब हम इसी अनुपात में अगर हम पूंजी को डिवाइड कर, लाभ को डिवाइड कर देते हैं तो दोनों हिस्सेदार का जो लाभ मिलेंगे वो हमें निकल जाएगा। तो यानी कि पी को हमको C1 T1 और C2 T2 के अनुपात में बांटना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहला जो भाग होगा, फर्स्ट भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा C1 T1 प्लस C2 T2 इंटू पी, और दूसरा भाग जो हो जाएगा सेकेंड भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा C2 T2 बाय C1 T1 प्लस C2 T2 इंटू पी। ये अगर तीन रिश्तेदार होता, अगर सपोज कीजिए कि तीसरा हिस्सेदार जो होता वो पूंजी C3 लगाता और वो T3 टाइम के लिए लगाता, तो तीनों में जो लाभ बटते वो हो जाता C1 T1 बाय C1 T1 C2 T2 C3 का जो इंटू पी, और तो दूसरे का हो जाता है C2 T2 बाय C1 T1 प्लस C2 T2 प्लस C3 T3 का सम इंटू पी, और तीसरा जो हिस्सेदार होता उसका हो जाता C3 T3 बाय C1 T1 प्लस C2 T2 प्लस C3 T3 इंटू पी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप समय और जो समय आपको दिया रहे उस समय के अनुसार से और जो पूंजी दिया रहे उस पूंजी के हिसाब से आप इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं फिर वो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए कि पूंजी ये 3000 लगाया था, ये C2 की जगह पे सपोज कीजिए 2000 रुपए है, दूसरे पार्टनर 2000 रुपए लगाए। पहले का टाइम क्या था कि पहले पूरे 12 महीने लगाए लेकिन दूसरा जो है सिर्फ 9 महीने के लिए उस पूंजी को इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो 12 महीने और 9 महीने हो गए, इसको हम मंथ में लिख लेते माह। ठीक है, तो जो पी निकलता है वो सपोज कीजिए कि हमें 2000 रुपए निकलते हैं, 2000 रुपए हमें लाभ की प्राप्ति होती है, तो कितना हो जाएगा लाभ का शेयर दोनों में कैसे बटेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि पहला आदमी का जो लाभ का शेयर होगा वो 10% होगा, तो 10% में यानी कि C1 कितना है 3000 मल्टीप्लाइड बाय T1 कितना है 12 महीने के लिए, तो 12 महीने, फिर ये C1 T1 तो 3000 मल्टीप्लाइड 12 महीने प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9 महीने, और टोटल जो लाभ है ये मल्टीप्लाइड बाय 2000, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36 प्लस 18 इंटू 2000। अब इसको 36 प्लस 18 को आप लिखेंगे तो 4345 इंटू 2000। ठीक है दोस्तों, इसको कट करेंगे 2 3 यानी कि 4000 बाय 3 रुपीज पहले को मिलेगा। उसी तरह दूसरे का कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय C1 T1, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9, टोटल का हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2000 क्योंकि लाभ है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 18 ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 2000। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 4 9 यानी कि 8000 डिवाइडेड बाय
9, ये हो जाएगा दूसरे का पार्टनरशिप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन में समय और पूंजी को देखते हुए जो शेयर है, जो लाभ का शेयर है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेनली यही मुख्यतः इसी तरह का पैटर्न एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अच्छे से देखिए और जो भी बुक हो आपके पास उससे इस पे जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को दूर किया जा सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो पे रिलेटेड आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि राम और श्याम ने क्रमशः 400 रुपए और 600 रुपए व्यापार में लगाए। कितने रुपए लगाए राम ने? 400, और श्याम ने 600 रुपए व्यापार में लगाए। वर्ष के अंत में लाभ बांटने पर श्याम को यदि 120 रुपए मिले, लाभ बांटने के बाद श्याम को कितने मिल गए? 120 रुपए, तो कुल लाभ कितने रुपए हुआ? इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को दोस्तों ट्विस्ट क्या हुआ है, हम जनरली लाभ दिया रहता था टोटल लाभ, और साझेदार को बताता पूछता था कि जो साझेदार होते थे उसको लाभ का कितना शेयर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे श्याम को शेयर का लाभ जितना लाभ मिला उसको लाभ का अंश बता दिया गया है कि श्याम को कुल लाभ में से 120 रुपए मिले, तो कुल लाभ क्या था? क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पूछा है कि कुल लाभ कितना था। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 270 रुपए, ऑप्शन बी है 200 रुपए, ऑप्शन सी है 250 रुपए, ऑप्शन डी है 400 रुपए, ऑप्शन ई है 500 रुपए। क्वेश्चन को धीरे थोड़ा आप धीरे से समझ के और दिमाग लगा के बनाएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से बन जाएंगे। अगर नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका आंसर आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।